तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे टीम रेड और टीम व्हाइट का मैच खत्म हो गया होता है। यहाँ पे ज्यादातर कॉल टीम व्हाइट की तरफ से इस सागी के दम से हुए होते हैं, इसी वजह से टीम व्हाइट को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब बारी आती है हारी हुई टीम में से एक मेंबर को सेलेक्ट करने की। हम रेड टीम के उनके चेहरों पर ही वो खौफ डर देख सकते हैं। अब बारू ऐसा किंग अपने शोल्डर्स थाम के कहने लगता, मैं तो कहता हूँ ये ऑरेंज बालों वाला ही ठीक है। ये बॉल फ्रंट लाइन में होने के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा अपने पास रख सकता है, तो अगर ये हमारी टीम को ज्वाइन कर ले हम भी ज्यादा से ज्यादा फ्रंट लाइन में रह सकते हैं। तो नागी बारू की बात से डिसएग्री करते हुए और अपना ओपिनियन झाड़ते हुए कहने लगता है, ना मैं तो कहता हूँ इस सब में रियो ही बेहतर है क्योंकि हमारे ऑफेंस और डिफेंस को बराबर रख सकता है। के पास वगैरह भी गजब किस्म के होते हैं। वैसे तो नागी की बात में दम होता है जिस वजह से बारू भी इस बार बहस करने की जहमत तक ना करता। फिर सागी भी नागी की बात पे कहने लगता है, हाँ वैसे तुमने ठीक ही कहा, पर अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो रियो हमारी इम्प्रूवमेंट की पोटेंशियल को भी कम कर रहा है। तुम बोले हो मैंने यहाँ पे बारू को डिवावर किया, निगल लिया और फिर मैं इम्प्रूव हुआ, जो देख के बारू ने वापस मुझे निकल लिया और उससे भी कई गुना ज्यादा इवॉल्व हुआ। जरूर नागी की बात ठीक है, क्या मैं कोई एक ऐसा बंदा भी चाहिए जो कि टीम को बैलेंस कर सके, मगर फिर से अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को याद दिलाऊं तो ये हमारा स्टाइल ऐसा है ही नहीं। मत भूलो केमिकल रिएक्शन ही सेकंड सिलेक्शन की चाबी है। जहाँ तक हमारे स्टाइल की बात है, हमारा स्टाइल एक दूसरे को निगल लेना, इस बार भी मैं एक ऐसा ही बंदा चाहता हूँ जो कि हम सबको निकलने के काबिल हो। छोलों से पढ़ते हुए वो बाकी अपने दिली दिल में कहने लगता, वरना हम उस काबिल होंगे ही नहीं कि हम उन जैसों को हरा सके। आखिरकार इतना कुछ सुनने के बाद बारू और नागी एक ही पॉइंट पे एग्री करते हुए कहने लगते हैं, ठीक है बाकियों को फिर छोड़ के जो हमारे खिलाफ थोड़ा बहुत लड़ पा रहा था इस मैच में, तो वो कोई और नहीं बल्कि चिगेरी है। सभी लोगों के बीच में से अब इस सागी कहने लगता, ठीक है फिर चिगेरी योमा हमें ज्वाइन कर लो। चिगेरी थोड़ा सा कंफ्यूज अब व्हाइट टीम की तरफ बढ़ने लगता। पढ़ते पढ़ते वो कुनिगामी से सहमत होके कहने लगता, ओए कुनिगामी मत भूलो कि हमने अभी तक इस सागी को नहीं हराया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हीरो। जो सुनने के बाद कुनिगामी की आंखें उसके माथे तक पहुंच जाती, क्योंकि यार ये कुनिगामी का ड्रीम होता कि वो फुटबॉल फील्ड में एक हीरो की तरह खेले। नजरें झुकाए हुए रियो के सामने आ खड़ा होता है नागी। नागी से कहने लगता, ओए रियो अगर मैं कहूँ तो हम जीते हैं तो तुम्हारी वजह से, कि हमें ये बात मालूम थी कि रास्ता ना होने के बावजूद भी तुम एक रास्ता निकालोगे। यहाँ पे पास नामुमकिन भी नहीं होगा, तुम उससे मुमकिन बना के दिखाओगे। इसी को सोच के इस सागी ने ये प्लान बनाया था जहाँ पे रिस्क तो काफी ज्यादा था, क्योंकि वहाँ पे मैंने उस पास को काबू करना था जो पास मेरे लिए है ही नहीं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि तुम बहुत ज्यादा, इससे पहले नागी अपनी बात मुकम्मल भी कर पाता रियो उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहने लगता, मुझे तुम्हारी तरफ से पेट टॉक की जरूरत नहीं है नागी, तुम बदल चुके हो, तुम हमारे बीच में उस वादे को भी भूल चुके हो तुम भूल चुके हो हमने वादा किया था हम दोनों मिलके वर्ल्ड बेस्ट खिलाएंगे, अगर तुमने मुझे धोखा देना ही है तो यार एटलीस्ट सही तरीके से तो दो ना। तो नागी अपने उन फ्लेम से उबड़ा होता जो कि उससे इस सागी से उधार में मिले होते, वो उसी जनून और जज्बे इंटेंसिटी उन शोलों से भड़कते हुए कहने लगता, अगर मैं तुम्हें अभी चुन लूं तो तुम सेटिस्फाई होगे, हाँ पर याद रखो ये हमारे अंदर वो खुशी सी नहीं होगी। क्या तुम्हें वाकई में लगता है वर्ल्ड बेस्ट बनना आखिर इतना ज्यादा आसान है? सालों लग जाते हैं मेहनत करते हुए और सालों उसे इस्तेमाल में लाने में, और जहाँ तक प्रॉमिस की ही बात है मैं नहीं बल्कि तुम बुला चुके हो उसे। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी परवाह है ही नहीं। कहते कहते नागी उसकी तरफ अपनी पीठ करते हुए कहने लगता, तुम सिर्फ एक बोझ हो। तो यार ये सुन के रियो के तो रंग ही उड़ जाते। आगे मजीद बोलने लगता, हमारे बीच में जो भी था वो आज इसी दम से खत्म हुआ। फिर आगे से इस सागे उससे अपने शोलों के दम से पूरी बात समझाते हुए कहने लगता है, ओए रियो तुम वो किला हो जिसका इंतजार किया जाए, ना कि वो बनाओ जो कि लोगों का इंतजार करे। आगे ने मुझे चुना क्योंकि मैं इसके इंतजार के काबिल हूँ। आखिरकार तुम सॉकर खेल के करोगे भी क्या, ना कि सभी साखी बल्कि अब पूरी टीम व्हाइट ऐसी गर्माइश से बड़ी होती है जो कि अपने सामने वालों को शायद से जला के राख कर डाले। सागी कहने लगता, ब्लू लोक है इस जगह का ना, मैं पोटेंशियल होती है वही वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर कहलाता है। फिर तक कुछ सुनने के बाद रियो टूट के अपनी नजर ही झुका डालता। कुनिगामी उसे पीछे से उठा के उसका सर ऊपर करते हुए कहने लगता, ओए अपनी नजरें मत झुकाओ, उन्हें अपनी आंखों से जाते हुए देखो, अगर आज हमने अपना सर उनके आगे झुका दिया तो फिर तो हम उनसे हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे।
हाँ यार, अब वाइट टीम चिगेरी समेत फोर्थ सिलेक्शन की तरफ अपने कदम जमाने लगती है यार। इसी बीच में हमें बाचीरा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे उसकी मदर उससे एक इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में समझा रही होती है। मदर उसे मजीद कहने लगती है, हाँ एक ऐसा ख्याली दोस्त जिसे सिर्फ तुम ही महसूस कर सकते हो, सिर्फ तुम ही देख सकते हो, तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर। बाचीरा सुन के कहने लगता, पर क्या मैं अजीब सा हूँ वीरडो? की मदर फौरन से इनकार करते हुए कहने लगती, नहीं तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, अभी तो तुम्हारा वो ख्याली दोस्त तुम्हारे साथ उस टाइप का सॉकर खेल पाएगा जिस तरह से तुम पसंद करते हो। बाचीरा बोलने लगता, पर मामा मैं चाहता हूँ मेरा कोई असली दोस्त हो, मेरे साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता। फिर उसकी मदर अब मुस्कुराते हुए कहने लगती, वो भी तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा, तब तक बचपन से लेके ब्लू लॉक तक इतने सालों से एक मॉन्स्टर के साथ फुटबॉल खेलता था। इसके साथ हमारा ये छोटा सा बाचीरा का फ्लैशबैक खत्म होता है। हानी जाती है फील्ड पे 1-on-1 जहाँ पे रेन वर्सेस बाचीरा चल रहा होता। प्रैक्टिस के दौरान रेन बाचीरा को काफी ज्यादा टफ टाइम दे रहा होता, होने के बावजूद भी बाचीरा फील्ड में खड़ा मुस्कुरा रहा होता। इसी में हम इस सागी की टीम को ब्रेक रूम में देखते हैं, जहाँ पे सागी सबसे कह रहा था, ओए ओए अगर रिंग की टीम हमें मिलेगी तो हम उसके मुंह पे चैलेंज थोपेंगे। अरे यार कोई हमारे बेचारे सागी की बात पे ध्यान तक ना दे रहा होता। सारे के सारे लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते। देखे सागी अपने दिली दिल में कहने लगता, बारू और नागी ऑलरेडी मेरे लिए परेशानी थी, अब ऊपर से एक और प्रिंसेस मिसेस चिगेरी भी आ गई है। इसी बीच में बारू जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता, ओए किसने अपना बदबूदार मोजा यहाँ पे छोड़ा है, ऊपर से गीला टॉवल किसका है? चिगेरी कहने लगता, वो मोजा तो मेरा है लेकिन मैं अपने बालों को सुखाने के बाद ही देखूंगा। आगे भी आगे से कहने लगता, टॉवल तो मेरा है लेकिन तुम इसे जाके वॉशिंग मशीन में डाल दो। शुरू होती है इन तीनों की लड़ाई। आगे अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे कहने लगता, क्यों ना हम कुछ खाने के लिए चले? चिगेरी कहने लगता, वैसे मेरा अब लेग केयरिंग का वक्त हो रहा है, नागी तो हिलने की जहमत तक ना करा होता क्योंकि वो कोई वीडियोस वगैरह देख रहा होता। सभी लोगों में वहाँ पे बारू कहने लगता, वेल मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इसी में सागी और बाचीरा मिल मिला के खड़े होते हैं लेकिन काफी देर से दोनों के बीच में एक लफ्ज तक ना कहा गया होता। यहाँ पे अब सागी थोड़ा डर डर के दिली दिल में कहने लगता, वेल शायद मैंने उससे कुछ ज्यादा ही मैच के दौरान कह दिया, उस दौरान तो मैं इतने ज्यादा जनून में डूबा था कि बात के बारे में मैंने सोचा तक नहीं। बारू नवाजने लगता उससे अपनी बातों से, सागी मैं ये सोच रहा था जब तुम फील्ड में होते हो तुम पूरी की पूरी फील्ड को कैसे कंट्रोल करते हो और तुम किस टाइप का सॉकर खेलना चाहते हो? तो इस आगे कहने लगता, वेल मेरी वेपन तो स्पेशल अवेयरनेस है और डायरेक्ट शॉट, मैं लोगों को रीड करने की कोशिश करता हूँ और जब मैं बॉल को हरकत में लाता हूँ उस दौरान मैं अपनी सारी की सारी वेपन्स को मिक्स कर देता हूँ। अब ये सुन के कहने लगता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम इस तरह से फील्ड को कंट्रोल कर रहे हो? आगे फिर कहने लगता, वैसे उस दौरान मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था मैच के वक्त। बारू कहने लगता, तुमने मुझे डंकी बुलाया तो इस पर मैंने कहा था कि अपने अल्फाज वापस लो इसको छोड़ के, वैसे तुम सही कह रहे थे इस सागी कमजोर लोगों में से नहीं हो ना कि उन कमजोर में से जो कि दर्द और हार का असली मतलब जानने के बावजूद भी उससे अपनी आंखें फेर लेते हैं और बदलते नहीं है। एक बार मैं सुरंग में नीचे गिर के मर चुका हूँ जिसके बाद मैं दोबारा से अपने उन्हीं पंजों से चल के वापस आया हूँ। बताओ भी ना तुम किस तरह का सॉकर इस टीम को लेके खेलना चाहते हो? ताकि इसका जवाब तो ना देता लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहने लगता, बारू तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा ये रो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। बारू कहने लगता, हाँ ज्यादा खुश मत हो मैं तुम सबको निगल लूंगा। इसी बीच में कहानी चिगेरी और नागी पे जाती है। चिगेरी नागी से कहने लगता, वेल तुम ये क्या देख रहे हो? असल में नागी एक फुटबॉल मैच देख रहा था और एक प्लेयर से जहमत होके कहने लगता, मैं इस प्लेयर को देख रहा हूँ जो कि काफी अच्छे से बॉल को कंट्रोल करता है और मैं ये मूव सीखना चाहता हूँ, इस बंदे को कॉपी करना चाहता हूँ। प्लेयर को देख के चिगेरी कहने लगता, वेल ये नोहिल नोआ अब तक तो ये वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर है। नागी भी इससे पूछने लगता, वेल क्या तुम्हारा पांव जख्मी हो चुका है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था कि तुम्हारी लेग केयरिंग का वक्त हो रहा है। चिगेरी भी उससे अपनी टांग दिखाते हुए कहने लगता, अगर एक और बार ये जख्मी हो गई तो काफी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे और अब मैं मजीद और अफसोस से अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहता, इसी वजह से मैं खेलता रहूंगा। इसी बीच में थोड़ी देर बाद हमें दिखा जाता बड़ू और नागी भी अपने रूम में वापस लौट के जा रहे होते हैं। तरी नागी रिन से लड़ने के लिए तड़प रहा होता और बाचीरा को वापस पाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता। जब वो रूम में जैसे तैसे एंटर करते हैं
कपड़े में सारा लगभग सामान बिखरा पड़ा होता, जो देख के पाड़ू पे फिर से चलाने लगता। यार यहाँ पे हमें पता चलता है चिगेरी और नागी ने रूम के अंदर ही ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी होती और रूम पे इसी तरह चलाई जा रहा था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो इस पर नागी कहने लगता है, वेल हम कुछ वीडियोस वगैरह देख के उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सब कुछ देख के भी इसागी अपने दिल ही दिल में क्या रहता, थोड़ा सा सबर करो, हम बाचिरा तुम्हें वापस पाने आ रहे हैं। यार सीन एक बार फिर से रिन और बाचिरा के वन ऑन वन पे जाता है, जहाँ पे रिन बाचिरा पे पूरे तरीके से बाड़ी पड़ता चला जा रहा होता। खेलने के बाद रिन काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता, तो मुझे अपनी ड्रिबलिंग से कभी नहीं हरा सकते, जरूर तुम्हें मजा आ रहा है ड्रिबलिंग करते वक्त, पर इसके पीछे एक अजीब सा रूप छुपा है। तुम डरते हो अकेले लड़ने से, तुम किसी बंदे की तलाश में हो जो तुम्हारे साथ सॉकर खेल सके, आधा कच्चा और आधा पक्का। ऐसे लोगों के साथ खेलने में मुझे ज्यादा भी मजा नहीं आता। इस दौरान हमें बाचिरा का एक बार फिर से पास दिखाया जाता, जहाँ पे बाचिरा की मदद भी एक वक्त में बाचिरा की तरह ही अकेली होती थी। जहाँ तक बाचिरा मेगुरु की बात है, वो काफी छोटी से ऐसे काफी ज्यादा सॉकर से लगाव रखता था। हर दौरान वो बस सॉकर बॉल को अपने गले से लगा के रखता। फुटबॉल के दौरान बाचिरा को अपने ड्रिबलिंग स्किल से बहुत ज्यादा मजा आता होता, तरीके से वो ड्रिबलिंग कर रहा होता जैसे कि वो खुद उसका हिस्सा ही बन जाता हो, वो बॉल को अपने जिस्म का एक हिस्सा पाता, और ये फीलिंग उसके लिए पूरी दुनिया से ज्यादा बढ़ के होती। तो हाँ यार, लोग उसके गजब किस्म के ड्रिबलिंग स्किल से तंग रह जाते हैं, वजह से वो लोग उसके साथ खेलना भी ना पसंद करे होते। तो जब बाचिरा उन्हें समझाने लगता कि जब तुम लोग भी बॉल को अपने जिस्म का हिस्सा समझोगे भाई तुम्हें भी काफी ज्यादा मजा आएगा, उल्टा वो लोग उसे वीर्डो बुलाने लगते हैं कि बाचिरा वीर्डो का लफ्ज कबूल करने के लिए तैयार ही ना होता, और इसी को लेके उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती। पता बाचिरा एक होने की वजह से वो तीनों के तीनों उस पर टूट पड़ते हैं। लौट जाने के बाद बाचिरा की मदर उस पर पट्टियां वगैरह लगा रही होती, साथ ही साथ उसकी मदर उसे समझाते हुए कहने लगती है, जरूरी नहीं है बेटा, जिस तरह से तुम सॉकर खेलते हो सोचते हो उस तरह लोग भी खेले और सोचे। बाचिरा कहने लगता, तो मैं क्या करूं मदर, मैं बस फुटबॉल ही खेलना चाहता हूँ, एक ऐसा बंदा जो मुझे समझ सके मेरे साथ खेले। पर उसकी मदर उससे मजीद प्यार करते हुए कहने लगती, ये काफी अच्छी बात है, यकीन रखो क्योंकि कुछ लोग जैसे तैसे बड़े होते हैं वो अपना यकीन खो देते हैं, अपनी अंदर की आवाजों को नजरअंदाज करने लगते हैं, और यहाँ तक एक वक्त आता है वो अपने अंदर को बुला देते हैं। इसी तरह उसकी मदर कैनवस ड्रा करते करते कहने लगती, तुम्हारे और मेरे सीने के अंदर दसा है वो मॉन्स्टर, वो अंदर की आवाजें उसी की होती है, हमारी मॉम भी इस आवाज पे यकीन रखती है। तो यार हमें पता चलता है बाचिरा की मदर भी बाचिरा की तरह काफी ज्यादा अकेली है, पूरा बचपन उसने अकेले में ही गुजारा है। दिन के बाद से बाचिरा भी उस बात पे यकीन रखने लगता जो सिर्फ वो महसूस कर सकता है, जिस बात का सिर्फ वो मजा उठा सकता है। दम के बाद से बाचिरा मेकेरु अपने मॉन्स्टर के साथ बस खेलता था फुटबॉल, बाचिरा बड़ा होता चला जा रहा होता। मदर ने उसे ये समझाया होता, एक दिन तुम उस शख्स से जरूर मिलोगे जो कि तुम्हारी तरह फुटबॉल खेलना पसंद करता होगा, कि जिन लोगों को तुम स्क्रीन के पीछे बैठ के देखते हो वो लोग भी सोकर इस तरह से खेलते हैं जैसे कि उनके सीनों में भी मॉन्स्टर्स है। यहीं पे बाचिरा अपने स्कूल की तरफ से प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में भी खेल रहा होता। बाचिरा ड्रिबलिंग करते हुए अपने सॉकर बॉल को आगे ले जा रहा था, जब लोग उससे पास मांगते होते वो अपने उस मॉन्स्टर को महसूस कर पाता। वो कहने लगता, बहुत स्लो, इस तरह से तो मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। उसके अगेंस्ट में कुछ लोग चिटिंग करके उसे सॉकर बॉल ले जाते, और तब भी वो मॉन्स्टर उसके साथ होता, उसके कदम में कदम मिलाने में मदद करता होता। यार ये सीन हम काफी बार देख चुके हैं बाचिरा की मेमोरीज में, पर आज ये सीन पूरा हो गया। धीरे धीरे वह गुजरता चला जा रहा था और ये उस पे आके बजाने लगती, क्या होगा अगर वो अपने जैसे से कभी मिले ही नहीं। अकेले कोने में बैठा, अंधेरे में बैठा वो खुद से सवाल करने लगता, क्या मैं वाकई में अजीब हूँ। जज्बात को गले लगाने के बाद उससे कुछ यूं महसूस हो रहा होता जैसे कि वो अकेलेपन में ही मारा जाएगा। अकेलापन उसके दम को घोटने लगता। एक दिन उसे ब्लू लॉग की तरफ से मेल आई थी, जहाँ पे ब्लू लॉग पहुँच के बाचिरा एक सपना देख रहा होता। वहाँ पे वो बड़े बड़े प्लेयर से मिलता, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता कि बॉल मेरी तरफ पास करो, पर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे होते। ब्लू लॉग सिलेक्शन टेस्ट चल रहा होता, राशि बाचिरा को जमीन पे लेटा सोता देख के उससे बोर्ड से हिट करने की कोशिश करता, और इससे पहले ही बाचिरा फौरन से घूम के उसके मुंह पे लात मारता। क्योंकि यार ये सब कुछ मैं एपिसोड फर्स्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और उस दौरान बाचिरा क्या सोच रहा था वो हमें इस एपिसोड में एक्सप्लेन किया गया है। उठने के बाद ब्लू लॉक में मुख्तलिफ प्लेयर्स को पाता, वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता कि शायद से ब्लू लॉक में कोई ना कोई तो होगा जो उसे समझ सके। यार इसी खुशी से वो पीछे से कुनिगामी को जा पकड़ता। हाँ यार इसके पीछे ये वजह थी कि उसने कुनिगामी को क्यों पीछे से जा पकड़ा, कि वो इतना ज्यादा खुश था कि वो पागले वाली हरकतें करने लगा था।
वहीं पे उसकी मुलाकात हुई इस सागी से। अब इस सागी चाहता तो वो इगाराशि को हिट कर देता, उसके पांव पे मोच दी अपनी सिलेक्शन के लिए। सागी कहता, नहीं मुझे अपने आप को बदलना है, इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स पे जाना पड़ेगा। तब कहीं जाके बाचिरा को उसके अंदर वो मॉन्स्टर सा फील होने लगा, वो दिखने लगा जो कि उसकी तरह फुटबॉल खेल सकता है। यार इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ के डिटेल थी कि आखिर बाचिरा को इस सागी में क्या दिखा, जाके फर्स्ट टू एपिसोड देख लो। यही वजह से बाचिरा ने इस सागी की मदद की थी कि उसका करियर खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर भी वो मॉन्स्टर था। मिल मिला के केरा को हिट करते हैं कि बाचिरा मजीद इस सागी के साथ खेल सके। अगर मैं कहूँ तो अब कहीं जाके फर्स्ट एपिसोड अच्छे से पूरी होती है। बाचिरा का वो मॉन्स्टर इस सागी में दिखा था, चिरा को महसूस हो रहा था उसका मॉन्स्टर उससे कह रहा था पास करो। वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि इस सागी खुद था। इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता है और बाचिरा यही वजह से इस सागी पे यकीन रखता है। फिर वो रेन से पूछने लगता, ओए तुम्हें कैसे पता था मैं किसी की तलाश में हूँ, ये बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही। चिराब उसे भी बताने लगता, मेरे अंदर वो मॉन्स्टर सा दसा हुआ है, मैं ब्लू लॉक भी इसलिए आया ताकि उस मॉन्स्टर को मैं असल में ढूंढ सकूं। प्रैक्टिस रूम से जाते जाते कहने लगता, जाके अपने मॉन्स्टर के साथ ही खेलते रहो, तब तक मैं असली स्ट्राइकर बन जाऊंगा। बाचिरा अपने दिली दिल में कहने लगता, मेरे ख्याल में ये दूसरा मॉन्स्टर है कि सागी से मुख्तलिफ है और अब तक मैं इसे समझ नहीं पाया। हाँ यार, अब वो जब दोनों के दोनों प्रैक्टिस रूम से बाहर निकलते हैं, दोनों के दोनों अपने सामने इस सागी को पाते। सागी यहाँ पे बाचिरा के पास आके कहने लगता, बाचिरा जैसे कि वादा किया था मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। अभी सागी शोलों से बढ़ते हुए एक बार फिर से रिंग को चैलेंज करता, इन दोनों से भी कई गुना ज्यादा बाचिरा अपने शोलों से उबड़ा होता। वो तैयार होता दोनों में से एक मॉन्स्टर के पास जाने के लिए, पर इससे पहले हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।